नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी। स्वागत है आप सभी का HP एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पर लगाई है रोक का आदेश आ चुका है दोस्तों हाईकोर्ट से आदेश आ चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की हर वीडियो में मैंने जैसा कि पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस पर रोक लगना भी तय था, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो बातें हो रही थी कि परीक्षा जो है भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई कट ऑफ जो है 65% और 60% रखने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर ये दिया है आदेश कोर्ट ने दोस्तों। और हम आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ, और आप इस खबर को देख सकते हैं वायकादा इस न्यूज़ पेपर में आया है दोस्तों। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरा ये मैंने खुद बनाया हो या फिर मैंने खुद ये लोग कहते हैं कि टाइपिंग करके इसने बना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, ये खबर ओरिजिनल वैल्यूबल है और 100% श्योर जेन्यून न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है। और आपसे एक निवेदन करता हूं दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले देता हूं और शिक्षक भर्ती से अपडेट रखता हूं, तो लाइक ज़रूर बनता है यार, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन ताकि आपको सबसे पहले मिले। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले पर्पल की खबरें लेकर आता हूं अपने इस चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की खबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पर यथास्थित कायम रखने का आदेश है, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार तक परिणाम जारी करने पर लगाई है रोक। आप सभी देख सकते हैं परीक्षा परिणाम पर लगाई है रोक, और यहाँ पर आप सभी देखते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो कल जो 17 जनवरी को जो खबर आई थी कि यहाँ पर के LP मिश्रा जी बड़े अधिवक्ता ने उन्होंने बहस की और उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है तो और विज्ञापन जारी हो चुका है तो उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो हमारे वकील LP मिश्रा जी, ओझा जी, अशोक खरे जी, ये सारे जो बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, जो इन्होंने हमेशा जो है एक अच्छे पक्ष पर रखा है और हमेशा एक सही पक्ष रखते हैं और सही इनका ये निर्णय होता है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि इस पर भर्ती परीक्षा पर तो रोक लगनी ही थी। क्योंकि यहाँ पर ये बात ये है कि देखिए, शिक्षा मित्रों की मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शिक्षा मित्रों की तरफ हूँ, या मेरा तो एक ही मोटिव है कि मैं आपको एक सही न्यूज़ दूँ। मेरा एक ही मोटिव है, मैं आपको सही न्यूज़ दूं और एक जेन्युइन न्यूज़ दूं और आपको अवेयर कराऊं। मेरा ये कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको ये दूं कि आपको भड़काने की या फिर आपको एक कोई अफवाह फैलाने की, या फिर ऐसा कोई मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना ही मैं ऐसी वीडियोस कभी बनाता हूं। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं। देखिए, ये इंसान का नेचर होता है कि जब कोई चीज़ गलत उसे अच्छी नहीं लगती है तो उसे वो ये गलत लगती है, उसे वो झूठ लगती है, सही है कि नहीं, क्योंकि वो सच्चाई होती है और ये नेचर है भाई। और आप सभी कमेंट करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें ना गलत लग रही होंगी आपके अंदर से, क्योंकि मुझे खुद लगता है ऐसा कि भाई देखिए, ऐसा होता है कि आप सभी पास हैं, ठीक है, अब आप 90-97 पास हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जो पास हो चुके हैं, अब उनको ये लगता है कि हम तो भाई पास हैं। आपको डरने की क्या ज़रूरत है, आपको डरने की क्या ज़रूरत है, जब आप पास हैं, आप बिल्कुल क्लियर हैं, अगर कट ऑफ कम हो जाए तब भी आपका नंबर है, नंबर तो आपका तब भी है, ऐसा तो है नहीं। पर लेकिन मुझे कुछ ऐसे अभ्यर्थी लगते हैं जिनकी 100 से ऊपर नंबर हैं, पर लेकिन उसकी एकेडमिक अच्छी नहीं है। ये रीज़न हो सकता है क्योंकि वो इन्हीं बात से डर रहे हैं कि उनकी एकेडमिक नहीं अच्छी है, और जो जिनकी एकेडमिक अच्छी है वो नंबर ले जाएंगे, क्योंकि उनकी 45 वो जो है उनकी मान लीजिए अगर वो कट ऑफ कम हो जाए, और कट ऑफ कम होने पर जब परीक्षा परिणाम आए तो क्या होगा कि एक तो शिक्षा मित्रों को फ़ायदा होगा, और एक फ़ायदा होगा जो अभ्यर्थी एकेडमिक अच्छी है उनकी, उनका फ़ायदा होगा, है ना। तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा ये फ़ायदा हो जाएगा। पर देखिए, हाईकोर्ट का अभी निर्णय जो है आज चल रहा है, और आज भी बहस होगी, आज भी सुनवाई होगी 18 जनवरी को। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरा एक ही मोटिव है, पहली बात आपको बता दूँ कि मैं 100% श्योर न्यूज़ ही लाता हूँ अपने चैनल पर,
और ऐसी कमेंट ना करें दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, है ना। तो मैं जानता हूँ कि इंसान का नेचर होता है कि भाई उसे जब एक फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो कमेंट करके ये लिख देता है, पर एक आप टीचर हैं, एक आप टीचर बनना चाहते हैं, तो दैट इज़ यू हैव टू मेंटेन योर लैंग्वेज वॉट एवर यू राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मोहम्मद रिजवान अंसारी जी व अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है कि याचिकाओं में 6 जनवरी को हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा में राज्य सरकार की ओर से गत 7 जनवरी को जारी हुई क्या हाई कट ऑफ, मतलब कट ऑफ जो है जारी हुई, और क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स थी और उसको चुनौती दी गई है। और गौरतलब है कि सरकार ने सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 65% और अन्य अभ्यर्थियों के लिए, अन्य जो एस सी एस टी ओ बी सी हैं उनके लिए 60% रखी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए 1 दिसंबर 2018 को भर्ती के लिए विज्ञापन देते समय क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं किया गया था। आप यहाँ पर जरूर बात इस बात को भी ध्यान रखें। देखिए मेरा एक ही मोटिव है, मैं यहाँ पर कि देखिए इस बात को ध्यान रखें, 1 दिसंबर को जब 2018 में जब विज्ञापन जारी हुआ उसमें निर्देश नहीं दिया गया था, तो ये बात सही है, आप इसे हल्के में ना लें कि देखिए 1 दिसंबर को विज्ञापन जारी हुआ और उसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं तय हुआ था, तो फिर अब नियमों में जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई उसके होने के बाद और परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद आप नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात सही है कि नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब आपने विज्ञापन जारी कर दिया और उसमें अभी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे सर उस विज्ञापन पर ये लिखा था कि हम तय करेंगे, ऐसा नहीं लिख रहा था तभी तो यहाँ पर लड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अगर ये लिखा होता तो क्यों जाते, आप बताइए। इतना तो कॉमन सेंस सबके अंदर है कि भाई इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतने बड़े बहुत सालों से ये यहाँ पर कोर्ट में लड़ाई संघर्ष करते हैं सभी के साथ, जितनी भी भर्ती होती है उनके साथ करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको जेन्यून है और आपको माननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया है, ठीक है, अब क्या किया है राज्य सरकार की तरफ से याचिका तय विरोध किया है का विरोध किया है, और यहाँ पर समय अभाव के चलते कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं, जिस पर याचिकाओं की तरफ से राज्य सरकार द्वारा अचानक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की आशंका व्यक्त किए जाने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को शुक्रवार तक मामले की यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, मतलब यथास्थिति मतलब रोक लगाने का आदेश दिया है परीक्षा परिणाम पर, ठीक है। तो अब आपको बता दें याचियों की तरफ से अधिवक्ता एलपी मिश्रा जी, है ना, एचजीएस परिहार और उपेंद्र मिश्रा ने बहस की, और जबकि राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह और वह अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है, जिन अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि कट ऑफ कम होनी चाहिए, देखिए चांसेस हैं कट ऑफ कम हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिए परीक्षा के बाद कट ऑफ को हाई कोर्ट में चुनौती और आज सुनवाई आज होगी, ठीक है, ये खबर देखिए आज कोर्ट विधि संवादक यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ को यहाँ पर लखनऊ बेंच के समक्ष चुनौती दी गई है और गुरुवार को मामला न्यायालय में समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुआ, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, मतलब 17 जनवरी को समय की कमी के होने के कारण बहस बहुत देर चली और उसके बाद जो है जो सुनवाई है वो एक्सपेंड कर दी गई और आज 18 जनवरी को रखी गई, ठीक है। अब आपको बता दें कि देखिए ज़्यादातर जो है मामला जो है सुनवाई हुई उसमें क्या निकला निचोड़, तो निचोड़ ये निकला दोस्तों कि आपके जो अभ्यर्थी ज़्यादा कट ऑफ कम करने की कह रहे थे और कट ऑफ ना होने की कह रहे थे उनके पक्ष में फैसला आया था, मतलब ज़्यादा मजबूत जो उनका रहा वो क्या रहा कि जो कट ऑफ जो है कम होनी चाहिए, परिवर्तन जो है विज्ञापन पर हुआ है वो ये नहीं होना चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए, ये इस बात पर ज़्यादा मुद्दा रखा। और जो और आज जो है अपर मुख्य सचिव प्रभात सिंह जी को भी बुलाया गया है इस भर्ती आज, ठीक है, कोर्ट में। तो आप सभी जानते हैं ये सारी खबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे विदा मांगता हूँ दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको क्या लगता है आपकी राय जानना जरूर चाहेंगे तो कमेंट जरूर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद जय भारत दोस्तों।